आइनपार पुलिस कब्जा कराती नजर आई। नगला विष्णु इलाके की तस्वीरें साफ बयान कर रही है कि जहां इस पूरे बाउंड्री बॉल का विवाद चल रहा है, दोनों पक्ष आपस में अपना अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन एक पक्ष से रुपए लेकर पुलिस ने 400 वीसी का मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि न्यायालय के आदेश पर इस तरह के मामले पंजीकृत होते हैं। पुलिस इन सब तत्वों से बचती है, लेकिन थाना लाइनपार की पुलिस ने यह सम्माननीय कार्य किया है। एक पक्ष से पैसे लेने का बात और आरोप इसलिए सामने आया है कि 400 वीसी का मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस ने लेखपाल, बैनामा लेखक सहित एक दर्जन लोगों को आरोपी बनाया है। उसके बाद पुलिस ने जबरन उस बाउंड्री वाल में कब्जा कराने के लिए अपना समर्थन दे दिया। पुलिस बकायदा चारपाई पे आराम फरमाती नजर आ रही है। फिरोजाबाद की लाइनपार थाने की पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, चोरी चकोरी, हत्या, इस तरह के तमाम मामले चल रहे हैं, लेकिन इन सब में पुलिस को कोई रुचि नहीं है। पुलिस नगला विष्णु इलाके में बकायदा शांति व्यवस्था बना रही है। बकायदा किस तरह दीवांश जी अपने मुखार बिंदु से शांति व्यवस्था बनाने की अपील कर रहे हैं, सुनिए उन्हीं की जवानी। कोतवाल साहब कहते हैं तो लिखित में कोई आदेश किया है? क्या कहा कोतवाल ने? यही रखो कब्जा कराने के लिए। हमसे तो नहीं कहा कब्जा की, नहीं तो क्या करा रहे हैं? शांति व्यवस्था बनाने के लिए। तो शांति व्यवस्था बनाए गए, तीन दिन पुलिसकर्मी यहाँ एक जीप को लेके पड़े रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे भाई, शांति व्यवस्था रहेगी ना। अच्छा, जब व्यवस्था शांति बन गई, शांति। अच्छा अच्छा, तो इनके घर में ही बताने का बोला था? किसके घर में? यहाँ पे यही तो विवादित जगह है। अच्छा, यहाँ शांति व्यवस्था बना रहे हैं आप? झगड़ा हुआ था, तो अब शांति व्यवस्था बनी हुई है? कब तक रहेंगे आप लोग यहाँ? जब तक कहेंगे अधिकारी। अच्छा अच्छा, थैंक यू। आप किसके आदेश से यहाँ पे आए दीवान जी? नत्थीलाल गौतम जी, किसके आदेश से हो यहाँ? दरोगा जी के आदेश से। कोतवाल के आदेश, लिखित आदेश है? कुछ नहीं है, पकड़ ले गई थी। पूजा बताओ पूरी बात क्या है। सुबह मैं रोटी बना रही थी, मेरी मम्मी बाहर कुछ कर रही थी, तो मैं मारा पीटा है। तो हमको वो सबको मारा पीटा और कहती इनने हमको मारा। किसने मारा आपको? जो वीरेंद्र से, जो दूसरा बहनामा किया है उसने। तो पुलिस कब से बैठी है यहाँ? सुबह 8 बजे से बैठी है। पुलिस आपसे सुनो, कह रही है खाली करो। कोई आदेश वादेश है इन पे? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। कोई प्रशासन का अधिकारी लेखपाल कानून को आया? कोई नहीं आया, केवल पुलिस वाले के। क्यों दबाव बना रहे हैं, क्यों मानते हैं, क्या बात है? ये पता नहीं, पैसा से भर रहे हैं। और पापा जी मैं थाने में बंद, और मेरे को भी ले गए, जेरे जेई ले गए थे। क्या सवेरे से ले गए थे मेरे को पकड़ के, मेरी मम्मी, फिर अभी आई हूँ मैं तो, और मेरे मम्मी पापा तो वही है। योगेश कुमार, योगेश बताओ क्या मामला है पूरा? सर हमारी ये जमीन का हमने बैनामा कराया, हम पे जो है सब डॉक्यूमेंट हैं, बैनामा है, और उसकी जो है नगर पालिका में हमारा दर्ज है, टैक्स भर रहे हैं, कहते हैं जो है पुलिस ने कम से कम उन्होंने मोटी रकम लेकर के 2-4 लाख रुपया लेकर के अवैध रूप से ये दीवार तोड़ दी है सर, ये दिखाई दे रहा है। और पुलिस यहाँ पर इस तरीके से हमको डरा धमका रही है कि आपको जेल भेज देंगे, इधर मन झाँको कहते हैं, और जबरदस्ती कब्जा करा बैठी है पुलिस यहाँ? ये सुबह से बैठी है कहते हैं। सुबह से यहीं बैठी? हाँ सुबह से यहीं बैठी है, और दो दो गाड़ी बैठी हुई है कहते, इतना यहाँ पर पूरा मोहल्ला भयभीत कर दिया है पुलिस ने। ये कह रहे हैं कि हम आपको जेल भेज देंगे, और दो गाड़ी बैठी हुई है यहाँ पर, अभी भी पुलिस बैठी हुई है कहते सुबह से। फिरोजाबाद की थाना लाइनपार पुलिस का अजब कारनामा भारत समाचार ने खुलासा किया है। एक पुलिस की जीप है, 3 कांस्टेबल हैं, महज मामूली सी बात यानी कि कब्जा कराने के लिए पुलिस ने जो ठेका लिया है उसको बखूबी निभा रहे हैं पुलिसकर्मी, जिस तरह आपने वीडियो देखे, आराम से लेटे हुए हैं। 3 पुलिसकर्मी एक मामूली जगह के विवाद पर कब्जा कराने के लिए मुस्तैद कर दिए हैं थानाध्यक्ष ने। साफ तौर पर तमाम घटनाएं लूट की, अपराध की, मारपीट की पूरे जिले में हो रही हैं, कई हत्याएं जिनका आज तक खुलासा नहीं हुआ, लेकिन पुलिस महज शांति व्यवस्था के लिए इस तरह यहाँ तैनात है। लगता है कि सूबे के DGP का आदेश हुआ हो कि यहाँ पर रहना है, तब तक रहना है जब तक दीवाल और बाउंड्री को अवैध रूप से कब्जाया ना जा सके। ऐसी स्थिति में खाकी पर बड़े बड़े सवाल उठते हैं कि आखिरकार लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस को स्थापित होना था, जो कि कब्जा कराने के कार्य में जुटी हुई है।